आईसीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 11 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझ चुके थे क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस फॉर्म में बनाएं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दे रखा है तो पहले वाले को लेके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाएं, तो उसको कैसे बनाएंगे, थ्री अब यहाँ दिया है माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो साइन का क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस दे रखा है ये प्लस दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस दिया है ये माइनस दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, और इधर चल रहा है वाई प्लस टू। ठीक है, वाई को उठा के इधर लेते आते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों पॉजिटिव है तो थ्री फाइव कितना हो जाएगा, एट माइनस एक्स प्लस एट इक्वल टू वाई प्लस टू, ये हो गया। वाई को उठा के इधर लाएँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी टू माइनस एट। इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको उठा के इधर लेते आते हैं या यही छोड़ देते हैं, तो हमको क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। सेकेंड वाले में क्या है, ये वाले में, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई, इधर क्या चल रहा है, फोर माइनस थ्री वाई। ठीक है, थ्री वाई को उठा के इधर लाएंगे साइड के तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई और प्लस थ्री वाई हो जाएगा, क्योंकि इधर तो माइनस है इधर आएगा प्लस इक्वल टू फोर, इसको सॉल्व कर लो, टू वाई और थ्री वाई कितना हो जाएगा, फाइव वाई, यानी टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू क्या आएगा, फोर, इसको इक्वेशन क्या मान ले, फोर मान ले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के लिए दोनों को साथ में लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, और ये क्या दिया, टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फोर। ठीक है, ऊपर वाले में क्या कर दें, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाइंग बाई टू इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था ये, x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स थर्ड, इन थर्ड। ठीक है, सो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, 2x, इसका इससे होगा तो 2y, और 6 टू जा कितना होगा, 12, और सेकेंड वाला ये था ही तो इसको ले लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, टू में से फाइव को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री वाई, और ट्वेल्व में से फोर को माइनस करेंगे एट। अब इधर माइनस दे रखा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में वाई इक्वल टू आ जाएगा एट अपॉन थ्री, माइनस एट अपॉन थ्री। अब क्या करेंगे, वाई इक्वल टू माइनस एट अपॉन थ्री पुट कर दे रहे हैं हम लोग किस में, इक्वेशन थर्ड में, तो पुट वाई इक्वल टू माइनस एट अपॉन थ्री इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट कर देते हैं तो एक्स वाई की जगह पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो माइनस एट अपॉन थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एट अपॉन थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स, ये थर्ड में हम लोग पुट किए, इसको उठा के इधर ले जाओ और सॉल्व कर लो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स प्लस एट अपॉन थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री सिक्स जा कितना हो जाएगा एटीन, और एटीन और एट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन में थ्री, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो y इक्वल टू माइनस एट अपॉन थ्री, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक।